मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट रोड पहुंचे हैं। स्मार्ट पार्क में नीम का पौधा लगाया। नीम का पेड़ शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। वैसे तो सभी पेड़ शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन नीम विशेष औषधि है। नीम के पेड़ के नीचे सोने से ही रोग दूर हो जाते हैं। और आज होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी सीएम बोले, महीने में एक बार कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी से कॉन्फ्रेंस होती है। 29 दिन काम, 1 दिन मूल्यांकन। ये बेहतर सुशासन का माध्यम है। जनता को बेहतर शासन मिल सके, इसलिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आमिर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आमिर, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक पौधरोपण रोज करते हैं, उसी कड़ी में आज भी उन्होंने पौधरोपण किया है। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वो जिस तरह से प्रण लिया था रोजाना पौधारोपण करने का, वैसे ही आज भी भोपाल की स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सड़क पर, स्मार्ट रोड पहुंचे और वहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। नीम का पौधा आज उन्होंने रोपा है और कहा कि दूसरे भी जो पौधे थे वो भी अच्छा वायु प्रदूषण उनसे होता है, लेकिन शुद्ध होता है, लेकिन नीम का जो पेड़ है वो औषधियों में बहुत बेहतर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नीम के नीचे सोने से ही कई रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से आज कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों के साथ में कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर भी कहा कि 29 दिन काम के होते हैं और 1 दिन उसके कार्यों की समीक्षा की जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भी पौधारोपण किया है। स्मार्ट रोड पहुंचे पौधारोपण के लिए। आज उन्होंने नीम का पौधा लगाया।